हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू नुगडवे। आज दोस्तों 15 जून 2023 और 15 जून 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन 15 जून को कौन सा दिवस है वो मनाया जा रहा है, तो 15 जून को विश्व पवन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो स्वच्छ ऊर्जा, उसको बढ़ावा देने के लिए हर साल विश्व स्तर पर 15 जून को विश्व पवन दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है। और ये पवन ऊर्जा और इसकी जो शक्ति है, शक्ति और हमारी जो ऊर्जा प्रणाली है उनको फिर से आकार देने और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उनको अकार्बनिक बनाने और नौकरी या विकास को बढ़ाने की जो संभावना है उनकी खोज करने का एक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन अब जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस केंद्रीय मंत्री ने आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की योजनाओं की घोषणा वो की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इनके द्वारा ये घोषणा की गई है। जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं इन्होंने आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की जो तीन प्रमुख योजना है उनकी घोषणा की है। और गृह मंत्री इन्होंने विज्ञान भवन में राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके आपदा प्रबंधन जो विभाग है उनके साथ एक बैठक की थी और इस बैठक में इन योजनाओं की जो घोषणा करने की शुरुआत की गई है। और राज्यों में जो अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कुल मिला के जो 5,000 करोड़ रुपए हैं उनकी योजना वो शुरू की गई है। अब इसमें जो 2500 करोड़ रुपए हैं, 2500 करोड़ रुपए इसका इस्तेमाल वो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे जैसे शहर हैं उनमें बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन योजना है उसके तहत 825 करोड़ रुपए वो जो 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए खर्चा वो किए जाएंगे। अब इससे संबंधित जो हाल ही में कौन कौन सी योजना वो शुरू की गई है उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि एनटीपीसी कांति ने कन्या सशक्तिकरण मिशन जो 2023 है वो शुरू किया है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इन्होंने अमृत धरोहर और मिष्टी जिसमें समुद्री आवास और मूर्त आय के लिए मैग्रो पहल नामक के दो योजनाओं का शुभारंभ किया है। और पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास का संगम के लिए जो गोबरधान योजना उसका शुभारंभ भी किया गया। और GRSE के द्वारा इनोवेशन जो रिंग स्कीम है वो शुरू की गई है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IT हार्डवेयर के लिए 17,000 करोड़ रुपए की जो PLI योजना 2.0 है इसको भी मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस राज्य सरकार ने राज्य के जो पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए मासिक जो पेंशन की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। जो हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने राज्य में जो पद्मश्री और पद्म भूषण और पद्म विभूषण जो विजेता है इनको मासिक जो पेंशन योजना के तहत जो 10,000 रुपए की पेंशन देने की घोषणा की। और इसके साथ ही उनको राज्य सरकार की जो वोल्वो बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की भी घोषणा की गई है। अब हरियाणा राज्य, तो हरियाणा राज्य से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना है इसका स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए चयन हुआ है। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ भी हरियाणा में हुआ है। हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की वेबसाइट हाल ही में लॉन्च की गई है। और हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 और हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 में संशोधन के अध्यादेश को भी हाल ही में स्वीकृति मिली है। और आयुष मंत्री ने हाल ही में योग मानस ऐप है वो लॉन्च किया है। और भाला फेंक नीरज चोपड़ा वो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी वो बन चुके हैं। और हरियाणा के जो स्टेट कैंपा के तहत तो 239.78 करोड़ रुपए के वार्षिक जो कार्य योजना है उनको भी हाल ही में स्वीकृति वो दी गई है। अब हरियाणा राज्य, तो हरियाणा राज्य उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोस में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान से है। और इसके साथ ही में उत्तर प्रदेश से यमुना नदी भी जो हरियाणा को टच करती है। और हरियाणा को जो राज्य का दर्जा मिला था ये मिला था 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा में टोटल जिले हैं 22 और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और प्रेजेंट मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर।
और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा तो ये वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का एक मुख्य निवास स्थान भी माना जाता है। और इस क्षेत्र में विभिन्न जो लड़ाइयां वो लड़ी गई थी, जिसमें भारत का अधिकतर इतिहास वो यहाँ पे हरियाणा में देखा गया है। और इसमें महाभारत का जो महाकाव्य भी युद्ध भी शामिल है। और हिंदू मतों के अनुसार देखें तो महाभारत का युद्ध है वो कुरुक्षेत्र में हुआ था, जिसमें भगवान कृष्ण ने भगवत जो गीता उसका वादन है वो यहीं पे किया था। और इसके अलावा यहाँ पर तीन पानीपत की लड़ाइयां भी यहीं पे हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि द पावर ऑफ वन थॉट है ये नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये बीके शिवानी के द्वारा लिखी गई है। जो हार्पर कॉलिंस इंडिया इनको बीके शिवानी की जो द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर जो माइंड या मास्टर योर लाइफ के माध्यम से एक सशक्त पुस्तक लाकर ये कोशिश भी लिखी जा रही है, जो दिमाग की शक्ति को उजागर करने के लिए एक आवश्यक मार्गदर्शक है। और ये पुस्तक है वो ये व्याख्या करती है कि प्रत्येक एक विचार जो हमारी भावनाएं दृष्टिकोण और हमारी जो कार्य हमारी हैबिट और हमारे व्यक्तित्व को जन्म देता है और हमारे भाग्य को प्रभावित करता है। और इस प्रक्रिया में हमें सच्चाई के लिए जागृत करती है, जो हम सोचते हैं वो ही हम लाते भी हैं। अब हाल ही में कौन सी पुस्तक वो किसके द्वारा लिखी गई है उन पर एक नजर डाल लेते हैं। शशि शेखर वेम्पति के द्वारा कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन पुस्तक लिखी गई। ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई के द्वारा द पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक की पुस्तक है। टी रंगराजन के द्वारा फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक की पुस्तक है। जेपी नड्डा के द्वारा मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लेक्स। लेखिका मानसु गुलाटी के द्वारा द मिरेकल ऑफ फेस योगा चिपको आंदोलन पर आधारित किताब को कमला देवी जो चट्टोपाध्याय एनआईएफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और शेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है विनिंग द इनर बैटल। और मिशेल ओबामा इनके द्वारा द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक की पुस्तक। और ब्रिटिश जो इतिहासकार है इन्होंने साइमन सेबाग के द्वारा जो द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक की पुस्तक है वो लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि वैज्ञानिकों ने किस राज्य में जो ग्लाइडिंग जेकोस है उसकी एक नई प्रजाति की खोज की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये मिजोरम में। तो वैज्ञानिकों ने मिजोरम में जो ग्लाइडिंग जेकोस नाम की एक नई प्रजाति की खोज की है, जो एक पूर्वोत्तर भारत में जो जैव विविधता के एक नए रूप का संकेत देता है। और साथ ही में ये वन्य जीव के जो दस्तावेजीकरण है उसके से अधिक जो प्रयास है उनको प्रोत्साहित भी करेगा। और जो मिजोरम पैराशूट गेको है या गेको मिजोरमिनिस है इसके राज्य के नाम पर यह रखा गया है, और जिसमें 14 गेको में से एक है। और गेको की जो 200 से भी अधिक ज्ञात प्रजातियां हैं, जो सभी ज्ञात गेकोस का लगभग पांचवा हिस्सा है। मिजोरम है तो मिजोरम भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य है त्रिपुरा असम मणिपुर। और मिजोरम है तो मिजोरम को जो केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा मिला था ये मिला था 21 जनवरी 1972 को, और ये राज्य बना था 20 फरवरी 1987 को। और यहाँ पे टोटल जिले हैं मिजोरम में 11, और यहाँ की राजधानी है आइजोल, और यहाँ के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री है जोराम थंगा और राज्यपाल है कबलबत्ती हरिबाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि विश्व रक्तदाता दिवस वो हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये 14 जून को मनाया जाता है। जो विश्व रक्तदाता दिवस है वो हर साल को दुनिया भर में 14 जून को मनाया जाता है। और इसमें जो रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रक्त जो डोनेटर है उनको समर्थन के लिए एक स्वीकार करने या उनकी सराहना करने के लिए दिवस वो मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो नारा रखा गया वो ये है कि रक्तदान करना एकता का कार्य है और प्रयास में शामिल हो और जीवन को बचाए। अब जून मंथ है तो जून मंथ में निम्न इम्पोर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं, जिन पर एक नजर डाल लेते हैं। 1 जून 2023 को विश्व दुग्ध दिवस या माता पिता का एक वैश्विक जो दिवस है उसके रूप में मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को विश्व कीट दिवस और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में और 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस के रूप में और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि सागर समृद्धि है ये किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये बंदरगाह है नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय की एक पहल है। तो बंदरगाह और नौवहन जलमार्ग मंत्रालय की ये पहल है
और इसमें जो सागर समृद्धि है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, और ये एक ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसका उद्देश्य है कि पोर्ट शिपिंग या जलमार्ग मंत्रालय उनकी वेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी लाना है। अब जो सागर समृद्धि है इस प्रणाली को एक तकनीकी साथ काम है जिसमें नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट्स है उसके द्वारा ये डेवलप किया गया है, और इस नई तकनीक उसके द्वारा ड्राफ्ट एंड लोडिंग जो मॉनिटर है उसकी प्रणाली में पुरानी प्रणाली के मुकाबले में अधिक ही सुधार वो भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य में पुलिस के लिए अरुणो पोल ऐप है ये नाम से एक एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा, जो अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री है, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश पुलिस का एक अरुण पोल एप्लीकेशन है इस नाम से एक ऐप है वो लॉन्च किया, और इसके साथ इन्होंने नागरिक सचिवालय ईटानगर से एक एप्लीकेशन जागरूकता जो जनरेशन वाहन को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया, और राज्य के जो गृह मंत्री है पामांग फेलिक्स इन्होंने जो अरुण पोल एप्लीकेशन है इसमें आम लोग है उनको बिना पुलिस स्टेशन आए ही शिकायत दर्ज कराने की जो सुविधा वो प्रदान वो करेगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य है तो अरुणाचल प्रदेश राज्य वही भारत का एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं, और इसके पड़ोसी राज्य हैं जैसे एशियाई की सीमाएं लगती हैं असम नागालैंड म्यांमार भूटान और तिब्बत से लगती है, और अरुणाचल प्रदेश राज्य है तो अरुणाचल प्रदेश राज्य को जो केंद्र शासित प्रदेश बनाता है ये बनाता 21 जनवरी 1972 को, और इसको राज्य का दर्जा मिला था 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, और यहाँ पे टोटल जिले हैं 25, और यहाँ के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, और राज्यपाल है बी डी मिश्रा, और अरुणाचल प्रदेश है तो यहाँ की प्रेजेंट है में जो मुख्यमंत्री वो है पेमा खांडू, और यहाँ को जो टोटल जिले हैं 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार को कोला नदी में खनन कार्य जारी रखने की अनुमति वो दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये उत्तराखंड राज्य के द्वारा, जो उत्तराखंड राज्य सरकार है इसमें जो गोला नदी है वो भारत में लगभग 500 किलोमीटर लंबी नदी है जो लघु हिमालय से निकलती है, और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन्होंने हाल ही में उत्तराखंड सरकार को 30 जून तक नैनीताल जिले में गोला नदी में जो खनन कार्य जारी रखने की अनुमति है प्रदान की है। उत्तराखंड राज्य है तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य वो पुष्प है जिसमें ब्रह्मा कमल की 24 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती है, और उत्तराखंड राज्य के जो सीएम है इन्होंने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना की शुरू करने की घोषणा वो भी की। महात्मा गांधी ने जो अनाशक्ति योगा टीका ये नाम का एक पुस्तक उत्तराखंड के कोनासी जो स्थान है वहां पर लिखी थी, और उत्तराखंड की जो स्तोपंत झील है ये त्रिभुजाकार है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय ये उत्तराखंड के कालाडूंगी शहर में स्थित है, और मत्स्य नीति उत्तराखंड में 2002 में लागू की गई थी, और उत्तराखंड राज्य में 15% जो कृषि योग्य भूमि है। उत्तराखंड के जो प्रेजेंट टाइम राज्यपाल वह है गुरमीत सिंह, और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। अब उत्तराखंड राज्य उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं, और इसकी सीमाएं वो तिब्बत नेपाल हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है, और उत्तराखंड के जो में टोटल जिले हैं वो है 13, और यहाँ की राजधानी है देहरादून। प्रेजेंट है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कि भारतीय नौसेना के चौथे सर्वे वेसल बड़े युद्ध पोत का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये संशोधक नाम है ये रखा गया है, जो भारतीय नौसेना का चौथा सर्वे वेसल लार्ज युद्ध पोत है संशोधक ये हाल ही में चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया था, और इस जहाज का नाम है वो शोधकर्ता जिसका अर्थ है शोधकर्ता, और ये एक सर्वेक्षण पोत के रूप में जहाज की जो प्राथमिक भूमिका को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कि फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब ये किस टीम ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये उरुग्वे के द्वारा जीता गया है, जो उरुग्वे की अंडर 20 फुटबॉल टीम है इन्होंने इटली को 1-0 से हराकर अपना पहला अंडर 20 विश्व कप जीता है, और उरुग्वे है ये 2011 के बाद ये खिताब जीतने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बन चुका है, और उरुग्वे तो ये 1997 और 2013 है इसमें टूर्नामेंट में फाइनल में आ गया था,
और ब्राजील अब 2011 में ये खिताब जीतने वाला। तो आखिरी दक्षिण अमेरिकी देश था और इस टूर्नामेंट में इजराइल ने दक्षिण कोरिया को हराया था और 30 स्थान हासिल किया। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के जो पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ये शांतनु गुप्ता है इनके द्वारा लिखी गई है। जो शांतनु गुप्ता इन्होंने अपना नया ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ ये लॉन्च किया और ये बुक है वो लॉन्च में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो 51 से भी अधिक स्कूलों के जो 5000 बच्चों हैं इन्होंने भाग लिया था और इसमें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का भी निर्माण वो इसमें हुआ था। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।